नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं अरविंद सिंह। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय सोनिधापा के मैदान में भाजपा के एक नगरपालिका तथा 9 नगरपालिका पंचायत अध्यक्ष व सभासद प्रत्याशियों के समर्थन में सभा को संबोधित किया। भाजपा ने कहा, चुनाव में किसी भी दशा में जीत हासिल कर निकाय में भी कमल का झंडा फहरा लेना चाहती है, जिसमें आगामी 2019 में फिर से केंद्र में भाजपा की सरकार कायम रखी जा सके। सभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि करते हुए कहा कि नगरीय क्षेत्रों का स्वर्गीय विकास हो, इसलिए नगरीय इकाइयों में कमल के फूल को खिलाइए। केंद्र में मोदी की सरकार, प्रदेश में योगी की सरकार, स्थानीय निकाय में जब तक कमल के फूल की बहुमत की सरकार नहीं बनेगी तब तक शहरों का विकास कैसे होगा। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय में बड़ी कार्य योजना लागू करने के लिए भाजपा पूरी तैयारी के साथ आपके बीच आई है। केंद्र व प्रदेश की योजनाओं को धरातल पर लाकर आम जनता को देने के लिए चुनाव भाजपा ही नहीं, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विकास के लिए कानून का राज चाहिए, कानून का सम्मान हर एक व्यक्ति को करना होगा और कानून का राज स्थापित करने के लिए बोल रहे हैं कि कानून का राज स्थापित होता है तो निवेश की संभावना बढ़ती है और जब निवेश होता है तो जो धंधे बनते हैं और जो धंधे बनते हैं रोजगार और नौकरियां आती हैं और रोजगार और नौकरियां हर एक क्षेत्र में सारी जगह जाती है। जितवाने के पीर दादियों के बाद चुपचाप नहीं बैठेंगे, संगठन चुपचाप नहीं बैठेगा। जो हम लोगों ने संकल्प पत्र जनता के सामने प्रस्तुत किया है, इस संकल्प पत्र के अनुरूप कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको भी हम लोग देखेंगे और फिर इसको लागू करवाने की कार्रवाई भी करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि नगर निकाय क्षेत्र सक्षम हो, आत्मनिर्भर बने, अपने आय के स्रोतों को स्वयं सृजित करें, आम जनता पर कम से कम बोझ पड़े, लेकिन आम जनता को सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं प्रारंभ की हुई दिखाई दे, इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए। और इसीलिए नगर निकायों में जो ठेकेदारी प्रथा थी, पहले ठेका पट्टा सब संचालित होते थे कानूनों से, हम लोगों ने कहा कि नहीं, यह नगर निकाय स्वयं तय करेगा, लेकिन उसको भी हम एक मेट्रिक से जोड़ दिए हैं। यही वो है, जंगल राज जैसी स्थिति थी, परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन और दिखेगा, माफिया राज नहीं चलेगा प्रदेश के अंदर, केवल विकास का राज चलेगा, विकास के बारे में सोचने वाले लोग भी बात कर पाएंगे। और जिन लोगों ने यहाँ पर झूठ कसर मचाई थी, अराजकता फैलाई थी, उनके भी लग गए हैं प्रदेश की जेल होगी या फिर उनको प्रदेश छोड़ करके जाना होगा। प्रदेश छोड़ करके जाने के लिए चाहे वो कहीं और जाए, चाहे यमराज के घर जाए, ये उनकी मर्जी होगी, लेकिन प्रदेश नगर निकाय चुनाव इसलिए आए हैं जिसने अपने सभी 653 नगर निकाय की इकाइयों को जिसको अयोध्या की दीपावली की तरह सजावट ला करके एलईडी लाइट से सबको जगमगा रोशनी रोशनी दिखाई दे रात्रि के समय जिन नगरों निगम निकाय क्षेत्रों।